नमस्कार, मैं सोनल और आज मैं आपको टोफू करी बनाना सिखा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। टोफू करी बनाने के लिए आपको सबसे पहले टोफू को बराबर पीसेस में काट लेना है। फिर हम डालेंगे थोड़ी हल्दी, थोड़ा नमक। नमक हमें कम ही रखना है, आगे हमें रेसिपी में 2 से 3 बार नमक का इस्तेमाल करना है। और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। इन सभी मसालों को हमें टोफू पर अच्छे से कोट कर लेना है। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। टोफू को कोटिंग करने के बाद हम उसे साइड में रख देंगे। अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी के लिए हमें चाहिए 2 प्याज, 7 से 8 काजू, थोड़ा अदरक, थोड़ा लहसुन, टोफू, 2 टमाटर, 3 से 4 चम्मच अमूल फ्रेश क्रीम और थोड़ा ऑलिव ऑयल। ऑयल को मीडियम हाई हीट पर हमें गरम करना है। ऑयल गरम होने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ा जीरा। जीरा तड़कने के बाद में हम उसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया, 4 से 5 काली मिर्च, 2 इलायची। इन मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। मसाले हल्के भुनने के बाद हम उसमें टोफू के पीसेस ऐड कर देंगे। टोफू को हम ऑयल में 10 से 20 सेकंड के लिए पकाएंगे। ज़्यादा देर नहीं भुनना है, ज़्यादा भुनने से टोफू रबर जैसा हो जाएगा। ध्यान रहे, हमें टोफू को सुनहरा नहीं होने देना है। बीस से 30 सेकंड बाद आप टोफू को दूसरी प्लेट में बाहर निकाल लीजिए। बचे हुए ऑयल और मसालों में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा लहसुन, अदरक और काजू। इन्हें हल्की आंच पर सुनहरा होने तक पकाएं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा प्याज। प्याज में हम डाल देंगे थोड़ा नमक। नमक डालने से प्याज जल्दी पकेगा। प्याज को हमें सीझने देना है, सफ़ेद होने तक पकाना है, सुनहरा नहीं करना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टमाटर। टमाटर को हम ढककर पकाएंगे। टमाटर को हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है। बीच बीच में ग्रेवी को चलाते रहें। अब हम इसमें थोड़े मसाले ऐड कर देंगे। तो पहले हम डालेंगे थोड़ा धनिया, थोड़ा हल्दी और थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए, मसाला पक गया है और टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। ग्रेवी को अच्छे से ठंडा होने दें। ग्रेवी ठंडी होने के बाद में आप उसे मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। सेम पैन में 2 से 3 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालिए, 1/4 चम्मच शाही जीरा। जीरा तड़कने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हींग। ग्रेवी को हम पैन में ट्रांसफर कर लेंगे और उसे अच्छे से ऑयल में मिक्स कर देंगे।
ग्रेवी में थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि ग्रेवी लगे नहीं। ग्रेवी में हम ऐड करेंगे थोड़ा सूखा धनिया, थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी हल्दी और थोड़ा नमक। ग्रेवी को ढककर पकाएं और बीच बीच में चलाते रहें। ध्यान रहे ग्रेवी नीचे ना लगे। ग्रेवी को हमें ऑयल रिलीज करने तक पकाना है। देखिए ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा अमूल फ्रेश क्रीम और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ध्यान रहे हमें इसे बार बार चलाते रहना है क्योंकि क्रीम जल्दी जल जाती है। ग्रेवी को हम फिर से ढककर पकाएंगे और ऑयल रिलीज होने तक पकाएंगे। देखिए ऑयल रिलीज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी, इससे टेस्ट बैलेंस हो जाता है। ध्यान रहे चीनी का इस्तेमाल कम ही करें, हमें सिर्फ टेस्ट बैलेंस करना है। ग्रेवी जितने ज़्यादा अच्छे से पकती है, मसाले जितने ज़्यादा अच्छे से भुनते हैं, सब्ज़ी उतनी ही स्वादिष्ट बनती है। अब हम टोफू को ग्रेवी में ऐड कर देंगे और टोफू को अच्छे से ग्रेवी से कोट कर लेंगे। ग्रेवी अगर ज़्यादा थिक है तो आप उसमें थोड़ा पानी मिला लीजिए। ग्रेवी को फिर से ढककर पकाएंगे और ग्रेवी को ऑयल रिलीज होने तक पकाना है। देखिए ऑयल रिलीज हो गया है, मतलब हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइए। धन्यवाद। बाय।